सो so, इस टेबल में मैं आपको कॉल और पुट के इंट्रेंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करता है वो शो करने वाला हूँ सो कॉल इंट्रेंसिक वैल्यू इक्वल टू स्टॉक प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस हमने कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन के इंट्रेंसिक वैल्यू को निकाल लिया है चलिए आप देखते हैं कि टाइम वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करता है जब भी हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो हम ऑप्शन को खरीदने के लिए कुछ अमाउंट पे करते हैं जिसे हम ऑप्शन प्रीमियम या ऑप्शन वैल्यू कहते हैं जैसे कि यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ऑप्शन चेन ओपन है और इस कॉलम में कॉल ऑप्शन के प्रीमियम है और इस कॉलम में पुट ऑप्शन के प्रीमियम है और इस प्रीमियम का जो प्राइस है वो कैसे डिसाइड होती है वो हम इस वीडियो में जानने वाले है और ये जो प्रीमियम है इस ऑप्शन प्रीमियम के दो मेन कॉम्पोनेट होते हैं यानी की दो मेन भाग होते हैं जिसे हम इंट्रेंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू कहते हैं यह आप

कंप्लीट एंड तक देखें ताकि ऑप्शन प्राइसिंग के कैलकुलेशन को अच्छे से समझ पाए और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि हम ऑप्शन ट्रेडिंग पर एक कंप्लीट कोर्स बना रहे हैं जो कि कंप्लीटली फ्री है जिसमें आप बेसिक टू एडवांस लेवल तक ऑप्शन ट्रेडिंग को सीख पाएंगे एंड आई बिलीव की इस सीरीज को कम्प्लीटली देखने के बाद आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह ऑप्शन ट्रेडिंग कर पाएंगे ये इस सीरीज का फोर्थ वीडियो है इससे पहले हमने ऑलरेडी तीन वीडियो अपलोड कर चुके हैं सो अगर आपने इन वीडियोस को अभी तक नहीं देखे है तो इसे जरूर देखें और इस इंट्रोडक्शन वीडियो को जरूर देखें क्योंकि इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको इस सीरीज में क्या क्या सीखने को मिलेगी और अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग को बेसिक टू एडवांस लेवल तक फ्री में सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड इस सीरीज के प्ले को मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एड कर दूंगा आप इसे जरूर चेकआउट करें तो चलिए आप जानते हैं की इंटरेंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू क्या होती है सबसे पहले जानते हैं की इंट्रेंसिक वैल्यू क्या होती है अगर आप इसका डेफिनेशन को देखेंगे तो इसका डेफिनेशन है द द डिफरेंस बिटवीन मार्केट वैल्यू ऑफ द स्टॉक एंड द स्ट्राइक वैल्यू ऑफ द ऑप्शन शायद डेफिनेशन आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा बट डो नॉट वरी मैं इसे सिंप्लीफाई करके समझाऊंगा और इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी शो करूंगा और इसे समझने के लिए लेट्स टेक एन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ऑप्शन चेन है और करेंटली एस बी आई एट फोर्टी पर ट्रेड कर रहा है और एट फोर्टी स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन रुपीज थर्टी पैसे पर ट्रेड कर रहा है और पुट ऑप्शन फोर्टीन रुपीज सिक्सटी फाइव पैसे पर ट्रेड कर रहा है और एट थर्टी का कॉल ऑप्शन ट्वेंटी रुपीज नाइन पैसे पर ट्रेड कर रहा है और एट थर्टी का पुट ऑप्शन ट्रेड कर रहा है और ट्रेड कर रहा है एंड एट ट्वेंटी का पुट ऑप्शन सेवन रुपीज थर्टी पैसे पर ट्रेड कर रहा है सिमिलरली एट फिफ्टी का कॉल ऑप्शन टेन रुपीज सिक्सटी फाइव पैसे पर ट्रेड कर रहा है और एट फिफ्टी का पुट ऑप्शन ट्वेंटी रुपीज ट्वेंटी फाइव पैसे पर ट्रेड कर, कर रहा है और एट सिक्सटी का कॉल ऑप्शन सेवन रुपीज टेन पैसे पर कर रहा है और एट सिक्स पर ट्रेड कर रहा है सो so, इन वैल्यू को हम ऑप्शन हैं सो इन वैल्यूज को, so, को मैंने इस टेबल पर नोट कर लिया है ताकि आपको आसानी से समझा पाओ मैंने यहाँ पर राउंड नंबर को एड किया है ताकि आपको आसानी से कैलकुलेट करके दिखा पाओ यहाँ पर ऑप्शन प्रीमियम की वैल्यू फिफ्टीन रुपीज थर्टी पैसे है टेन रुपीज सिक्सटी फाइव पैसे है तो मैंने पॉइंट थर्टी

और 850 के एंट्रेंसिक वैल्यू निकालने के लिए स्टॉक प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस अगर आप करेंगे तो 840 फोर्टी माइनस एट फिफ्टीवल टू माइनस टेन होगी मगर मैंने आपको बताया हो कि वैल्यू का मिनिमम वैल्यू जीरो होती है तो हम यहाँ पर जीरो लिख लेंगे सिमिलरली एट का इंट्रेंसिक वैल्यू अगर निकालना है तो एट फोर्टी माइनस इक्वल टू माइनस होगी मगर इंट्रेंसिक वैल्यू का मिनिमम वैल्यू जीरो होती है तो हम यहाँ पर जीरो लिख लेंगे सो so, यहाँ पर हमने कॉल ऑप्शन के इंट्रेंसिक वैल्यू को निकाल लिया है जो की है एट

वैल्यू निकालेंगे तो 850 फिफ्टी माइनस एट इक्वल टू पुट ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस के तो पुट तो के इंट्रेंसिक वैल्यू को निकाल लिया है हमने कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन के इंट्रेंसिक वैल्यू को निकाल लिया है चलिए अब देखते हैं की टाइम वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं तो सबसे पहले हम कॉल ऑप्शन के टाइम वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे और कॉल ऑप्शन के टाइम वैल्यू को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है कॉल टाइम वैल्यू इक्वल टू कॉल प्रीमियम माइनस कॉल इंट्रेंसिक वैल्यू सो यहाँ पर हमारे पास कॉल प्रीमियम भी है कॉल की इंट्रेंसिक वैल्यू भी है तो चलिए अब हम कॉल के टाइम वैल्यू को भी कैलकुलेट कर लेते हैं सो फॉर्मूला के हिसाब से कॉल प्रीमियम माइनस कॉल इंट्रेंसिक वैल्यू सो एट ट्वेंटी के कॉल के टाइम वैल्यू अगर निकालना है तो कॉल का प्रीमियम है ट्वेंटी सेवन रुपीज और इंट्रेंसिक वैल्यू है ट्वेंटी रुपीज सो ट्वेंटी सेवन माइनस ट्वेंटी सेवन रुपीज होगी सो कॉल ऑप्शन के एट ट्वेंटी का टाइम वैल्यू सेवन रुपीज है सिमिलरली 830 का अगर आपको टाइम वैल्यू निकालना है तो कॉल प्रीमियम माइनस कॉल इंट्रेंसिक वैल्यू जो कि होगी 21 वन माइनस टेन इक्वल टू इलेवन और एट फोर्टी का, का 10 माइनस जीरो माइनस जीरोक्वल टू सेवन सो हमने यहाँ पर कॉल ऑप्शन के टाइम वैल्यू भी निकाल लिया है चलिए अब देखते हैं की पुट ऑप्शन के टाइम वैल्यू को हम कैसे निकाल सकते हैं पुट ऑप्शन के टाइम वैल्यू को निकालने के लिए आपको जो फॉर्मूला का यूज करना है वो फॉर्मूला है पुट प्रीमियम माइनस पुट इंट्रेंसिक वैल्यू सो हमारे पास यहाँ पर पुट का प्रीमियम भी है और इंट्रेंसिक वैल्यू भी है चलिए हम पुट के टाइम वैल्यू को निकाल लेते हैं सो so, इस फॉर्मूला के हिसाब से सेवन माइनस जीरो इक्वल टू सेवन होगी यानी कि पुट के 820 स्ट्राइक प्राइस का टाइम वैल्यू सेवन है और एट का पुट प्रीमियम माइनस पुट इंट्रेंसिक वैल्यू यानी कि टेन माइनस जीरो होगी एट का फोर्टीन माइनस जीरोक्वल टू फोर्टीन होगी एट फिफ्टी का ट्वेंटी माइनस टेन पुट प्रीमियम माइनस पुट इंट्रेंसिक वैल्यूक्वल टू टेन होगी और एट सिक्सटी का ट्वेंटी सो so, मैंने यहाँ पर कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन की इंट्रेंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो शो किया हो सो so, ऐसे आप इंट्रेंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं और इसे जानना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपको पता चलता है कि आप जो ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं उसके प्राइस या प्रीमियम कैसे डिसाइड होती है इस टेबल को फर्दर डिस्कस करने से पहले आपको ऑप्शन चेन के कुछ को समझना होगा जिसे हम मनी ने सब ऑप्शन भी कहते हैं जैसे कि एंड अभी बस मैं आपको इसका ओवरव्यू बताने वाला की हम इन तीनों को इस सीरीज के नेक्स्ट फ्यू वीडियो में से एक डेडिकेटेड वीडियो में डिटेल में समझने वाले है ए का मतलब है एट दी मनी एट दी मनी स्ट्राइक प्राइस वो स्ट्राइक प्राइस है जो स्टॉक प्राइस के सबसे नियरेस्ट है या सेम है यहाँ पर स्टॉक का प्राइस फोर्टी है तो 840 के स्ट्राइक प्राइस को हम एट द मनी स्ट्राइक प्राइस मानेंगे क्योंकि 840 स्टॉक का प्राइस है और हमारे पास 840 स्ट्राइक प्राइस भी है सो so, इसे हम एट मनी स्ट्राइक प्राइस मानेंगे तो, आई का मतलब है इन द मनी अब इन द मनी कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन का अलग अलग होती है कॉल ऑप्शन के इन द मनी वो स्ट्राइक प्राइस है जहाँ पर स्ट्राइक प्राइस इज लेस देन स्टॉक प्राइस यानी की स्टॉक प्राइस से स्ट्राइक के प्राइस कम होनी चाहिए सो so, यहाँ पर एस की प्राइस एट है और 840 से जो भी कम

प्राइस स्टॉक प्राइस से ज्यादा होती है सो यहाँ पर 840 से ज्यादा 850 और 860 है सो एट फिफ्टी और 860 को हम कॉल ऑप्शन के ओ टी एम यानी कि आउट ऑफ द मनी मानेंगे और पुट ऑप्शन के स्ट्राइक प्राइस स्टॉक प्राइस से कम होती है सो यहाँ पर हम स्टॉक प्राइस से कम वाले स्ट्राइक प्राइस है एट थर्टी एंड एट ट्वेंटी सो एट थर्टी एंड एट ट्वेंटी के स्ट्राइक प्राइस को हम पुट ऑप्शन के लिए आउट ऑफ द मनी मानेंगे आपको फिलहाल ए टी एम आई टी एम ओटीएम के बारे में बस इतना ही याद रखनी है इसके ऊपर हम इस सीरीज में एक डिटेल वीडियो बनाने

कम होती जाती है और जैसे जैसे आप फार ओटीएम की ओर बढ़ते हैं तब भी टाइम वैल्यू कम होती जाती है इंट्रेंसिक वैल्यू ओनली इन द मनी के स्ट्राइक प्राइस पर होती है एटीएम और ओटीएम में सिर्फ टाइम वैल्यू होती है एटीएम और ओटीएम में इंट्रेंसिक वैल्यू जीरो होती है सो so आप देख सकते हैं यहाँ पर ओनली आई टी एम में ही इंट्रेंसिक वैल्यू है एटीएम और ओटीएम में इंट्रेंसिक वैल्यू बिल्कुल जीरो है इसलिए अगर आप एटीएम और ओटीएम के ऑप्शन को खरीदते हैं तो आपको सिर्फ टाइम वैल्यू देनी होती है क्योंकि इसका इंट्रेंसिक वैल्यू जीरो होती है और यही रीजन है कि ए और ओटीएम के प्रीमियम सस्ते है। के होते हैं और इंडा मनी के प्रीमियम महंगे होते हैं आप अगर इसके साथ कंपेयर करेंगे तो इंडा मनी के प्रीमियम जो है महंगे है क्योंकि इसमें आपको इंट्रेंसिक वैल्यू भी पे करनी होती है और टाइम वैल्यू भी पे करनी होती है मगर आप एटीएम और ओटीएम में ओनली टाइम वैल्यू पे करते हैं क्योंकि इंट्रेंसिक वैल्यू बिल्कुल जीरो होती है इसलिए हमेशा इंडा मनी के कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन के प्रीमियम महंगे होते हैं अगर आप एट द मनी और आउट ऑफ द मनी के कॉल और पुट ऑप्शन के प्रीमियम के साथ कंपेयर करेंगे तो अगर आप एटीएम और ओटीएम के ऑप्शन प्रीमियम को खरीदते हैं और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्सपायरी तक साइडवेज रहती है या 840 पर ही क्लोज करती है तो आपने जो भी प्रीमियम पे किए थे वो जीरो हो जाएगी क्योंकि आपने सिर्फ टाइम वैल्यू पे किए थे और टाइम वैल्यू एक्सपायरी पर जीरो हो जाती है जिसे हम थीटा डी भी कहते हैं मगर अगर आप आई के ऑप्शन को खरीदते तो आपको एक्सपायरी तक अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 840 पर ही क्लोज करती है तब आपको सिर्फ इंट्रेंसिक वैल्यू मिलेगी और आपने जो टाइम वैल्यू दिए थे वो टाइम वैल्यू जीरो हो जाएगी एक्सपायरी डेट तक तो आपको सिर्फ इंट्रेंसिक वैल्यू ही मिलेगी यानी कि अगर आप एट के स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन को सत्ताईस देकर खरीदते और एस बी पर ही एक्सपायर होती तो आपको सिर्फ बीस मिलेगी जो आपने इंट्रेंसिक वैल्यू पे किए थे मगर आपने जो सात टाइम वैल्यू पे किए थे वो आपका जीरो हो जाएगा जब भी कोई भी ऑप्शन को खरीदते हैं तो उसके टाइम वैल्यू जैसे जैसे ऑप्शन के ऊपर हो होने वाली है और अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करे इससे हमें मोटिवेशन मिलती है सो so, मिलते हैं इस सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में जो की ऑप्शन ग्रीक्स जैसे की डेल्टा गामा थीटा वेगा एंड रो के बारे में होगी तब तक के लिए स्टे सेफ एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली थैंक यू फॉर वॉचिंग